सो हेलो गाइस, आई एम पार्थ मिश्रा। आज मैं मेरा नया यूट्यूब चैनल खोल रहा हूँ बायोस्कोप आर्क के नाम से। इस चैनल में मैं कई सारे ट्रैवल ब्लॉग्स, कई कहानियाँ डालूंगा। आई एम बेसिकली जयपुराइट। सो आज जो मेरी पहली ट्रैवल ब्लॉग की लोकेशन होगी वो होगी सिटी पैलेस, एंड आई विल ट्राई टू गो थ्रू आमिर स्ट्रीट। सो लेट्स गो टू आर लोकेशन। सो गाइस, फाइनली अपन लोकेशन पे आ चुके हैं। सिटी पैलेस के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ मैं। बहुत जल्दी अपन अंदर जाने वाले हैं, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे जस्ट सामने जो हैंडीक्राफ्ट्स की दुकान है, बहुत ज़्यादा चलती हैं, टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती हैं। आसपास काफ़ी सारे गाइड हैं। खैर, मैं तो लोकल हूँ तो मुझे थोड़ा आइडिया है क्या होता है क्या नहीं होता है। सो चलिए अपन टिकट बाय करते हैं, तभी अंदर जाने देंगे, मुझे बिना टिकट के तो कैसे जाने देंगे। तो चलो चलते हैं। हमारे साथ संदीप जी हैं। संदीप जी यहाँ राजस्थान टूरिज्म में हैं, तो मैं सिटी पैलेस में आया। तो सिटी पैलेस छोटी जगह तो है नहीं। सिटी पैलेस को समझने के लिए और इसकी जगह को समझने के लिए आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर टाइप गाइड दे रहे हैं, जिसका चार्ज बहुत नॉमिनल है, ओनली 100 रुपीज, जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो संदीप जी, आप बता सकते हैं मुझे कि उस गाइड में मेरे को क्या क्या मिलेगा? जी, हम जो ऑडियो गाइड प्रोवाइड कर रहे हैं ये यहाँ के हिस्टोरियन द्वारा बनाया गया है, एंड यहाँ के मैनेजमेंट के द्वारा रिकमेंडेड है। इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग यहीं के हिस्टोरियन के द्वारा की गई है, एंड इट इज 100% अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट। ओके, और एज पर एज कंसर्न अबाउट द लिटरेचर लेवल, इट इज डायरेक्टली बिलोंग टू द नाइस लिटरेचर लेवल। इसको लेने के हम आपको कई तरह के फायदे मिलते हैं। एज ए ब्लॉगर यू कैन यूज इट, एज ए डिजाइनर स्टूडेंट यू कैन यूज इट, एज ए आर्किटेक्चुरल स्टूडेंट यू कैन यूज इट, एज ए टूरिस्ट यू कैन यूज, एज ए यूट्यूबर यू कैन यूज इट, एज ए यूट्यूबर यू कैन यूज इट, एज ए ब्लॉगर यू कैन यूज इट, एंड वट एवर प्रोफेशन यू हैव, इवन इफ यू हैव, इफ यू लाइक द स्टोरीज एंड द हिस्ट्री ऑफ। सो गाइस, अपन मुबारक महल के सामने खड़े हैं बिल्कुल, एंड आई विल शो यू एंड आई विल टेल यू अबाउट दिस कि मुबारक महल में सब क्या था कि लोग इतना अट्रैक्टेड हैं इस जगह की तरफ। महल वॉज अ बेसिकली प्लेस जहाँ बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल्स की चीज़ें रखी जाती थी, एंड उस वक्त टेक्सटाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे देश की GDP के लिए, क्योंकि होता क्या था कि 27% GDP बहुत डिपेंड थी हमारी कंट्री की टेक्सटाइल्स पे, और उस वक्त टेक्सटाइल के बदले हम बाहर से सोना लाते थे। सो आप देख सकते हैं कि अंकल ने थोड़ा व्यू ख़राब कर दी, कोई ना, बट स्टिल देख सकते हैं आप कितना अच्छा व्यू है। बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हुए, इवन इतनी गर्मी में मैं भी आया हूँ। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट स्टेप है वो अपना पेंटिंग एंड फोटोग्राफी म्यूजियम। वहाँ चल रहे हैं, देखते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि सवाई मानसिंह और हमारी जो यहाँ की रॉयल फैमिली है उनको बहुत शौक था आर्ट का, होता ही है रॉयल फैमिली को आर्ट का। सो अपन भी देखते हैं LC की मेरे को अलाउड है क्या अंदर का कैप्चर करना। अभी अभी जस्ट मैं पेंटिंग एंड फोटोग्राफी की गैलरी से बाहर आया हूँ। मतलब कुछ चीज़ ऐसी होती है ना जिनको देख के मतलब ऐसे लगा कि यार, जो पहले के लोग जो टैलेंटेड थे, जो काम था उनका। मैंने अंदर रेड फोर्ट की प्लानिंग की पेंटिंग्स देखी, मैंने गोविंद देव जी की पेंटिंग्स देखी, मैंने कई महाराजाओं की पेंटिंग्स देखी, मैंने कई तरीके के ब्रशेस देखे जिनसे पेंटिंग्स बनाई जाती थी कुछ अप्रॉक्स 300-400 साल पहले। एंड जो उनके पास टैलेंट था, जो चीज़ें करते थे, जो आर्किटेक्चर था वो प्रिजर्व कर रखा हमने, बट लेकिन उस लेवल का आर्किटेक्चर और उस लेवल की पेंटिंग्स और क्रिएटिविटी आज के टाइम पे देखना बहुत मुश्किल। स्टिल हम बाहर खड़े हैं पेंटिंग एंड फोटोग्राफी गैलरी के बाहर। भैया ने मना कर दिया, हमें फ़ोटो नहीं खींच सकते, कोई ना भैया, हम बाहर से ही दिखा देंगे जितना हो सकेगा। वहाँ पे वो है फ्रेंड्स ऑफ द म्यूजियम, आपको बताता हूँ वहाँ पहुँच के, वहाँ की हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बट हम म्यूजियम के बाहर खड़े हैं, फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड यहाँ भी, क्या यार, इतनी मेहनत से बंदा व्लॉग बनाने आए और हर जगह की फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है। चलो खैर, मैं अंदर जाके देखता हूँ चीज़ें, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सो स्टेट इंजन म्यूजियम से बाहर आया। फ्रेंड्स एंड म्यूजियम भी एक तरीके का मार्केट ही है, लेकिन और मार्केट्स में क्या होता है, जब 12-13 कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, तो वो सब आपको अपनी तरफ खींचते हैं। पर जो यहाँ का जो कंटेंट था और यहाँ के जो आर्ट थे, वो कोई खींचेगा नहीं आपको उनकी तरफ, वो आप खुद जाओगे उनकी तरफ।
वो इतने अट्रैक्टिव संभालते हैं लोगों के पास। मैंने कई लोगों से बात करी, विनीत रातोरिया जी, रमेश शर्मा जी, किसी का इत्र का बिजनेस है, किसी का किसका है, पर ये सारी चीज़ें बिल्कुल हैंडमेड है। और ये जो काम है ये 7 जनरेशन से चल रहा है। ये जो इत्र हैं, ये जो हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये सब राजा महाराजा तक यूज़ करते हैं। तो मतलब इतनी क्रिएटिविटी, सारा हैंडमेड काम है। आज के ज़माने में तो टेक्नोलॉजीज़ हैं, सब कुछ है, बट जो मैंने अंदर देखा, जो मैंने मार्केट देखा, ऐसा मार्केट मैंने कभी नहीं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लोकेशन इन द सिटी पैलेस। लोकेशन है वो वेपन्स गैलरी। सो गाइस हाय, मैंने वेपन्स गैलरी भी कवर कर लिया है। वेपन्स गैलरी में मैंने कई नई तरीके की तलवारें, कुल्हाड़ी, शील्ड, शॉट गन जो पबजी में बहुत पॉपुलर हैं, और राइफल्स देखी, उस समय के राइफल्स जो, सॉरी मैं आपको अंदर का नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि अंदर कई ऐसी जगह हैं जहाँ कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से, बट स्टिल मैं जितना आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि ये जो गन्स, राइफल्स और ये जो कुल्हाड़ियाँ हैं, ये पिछले 200-300 सालों में जब थोड़ा डेवलपमेंट आया था गन्स इन चीज़ों में, तो वो तब की हैं। शील्ड्स हैं, आपने जोधपुर में देखा होगा, जो ऋतिक रोशन ने एक सूट सा पहना था सिल्वर कलर का, जाली टाइप का, वो भी मैंने देखा ऊपर। उनका हेलमेट भी देखा, जो हेलमेट यूज़ करते थे उस वक्त लड़ाइयों में। एक पेंटिंग भी देखी मैंने, खैर वो वाला पोर्शन नॉट था, तो बस एक जाली थी उसमें से देख लिया, जहाँ बहुत सारी तलवारें लगा रखी और एक प्रॉपर एक वॉरियर वाली पेंटिंग थी, तो काफ़ी मेस्मराइजिंग सीन था। आप आए तो ज़रूर देखना है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट प्लेस। पे आ चुके हैं सर्वतोभद्रा। ये जो जगह है, इसका जो वॉल है पूरा मार्बल्स का बना है, और एक ऐसी सिंगल स्टोरी जगह है जहाँ बहुत बड़ी स्पेस है, फुल स्पेस है, मेन फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छी जगह लग रही है। देख सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट भी हैं, अंकल अच्छा वो दे रहे हैं। गंगा जल इस सिल्वर जा रहे हैं, पूरा पूरा शांति में पानी पीने से। इसमें आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा वन बाय वन, पूरा वाइड एंगल से आप झूमर देख सकते हैं पूरा। मैस्मराइजिंग भी है, चीज़ें खरीदने के लिए छोटी मोटी चीज़ें अगर आप खरीदना चाहो तो। और ये तो आपको मैं आपको दिखाई चुका हूँ, जिससे पूरा शास्त्री नगर जा में रहता हूँ पानी पी ले। माय गॉड, फकिंग बिग। निवास के बाहर खड़े हैं, सभा निवास में बेसिकली जो जितनी भी मीटिंग्स होती थी, जितने भी प्रिंसली कोर्ट्स हो गए, सब यहीं हो रहे थे। जितने डिसीजन होते राजा, लॉर्ड, मैंने अंदर देखा लॉर्ड माउंट बेटन, सवाई मानसिंह, सवाई माधो सिंह, सबके पेंटिंग के फोटोज़ हैं। और जैसे अपने मूवीज़ में देखते हैं ना, प्रॉपर दरबार, उसका भी 10 times or 10 times बढ़िया था। मतलब इतना फैसिनेटिंग कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, बट स्टिल अंदर वही लोचा जो पूरे जितने मॉन्यूमेंट्स में भी अपन घूम रहे हैं कि यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। सैड लाइफ। मतलब हम संदीप जी के पास जाने वाले हैं, जिनके पास हमारा ट्राईपॉड जमा था और जिन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी। सो गाइस, फाइनली ब्लॉग एंड हो चुका है। थोड़ा थैंक यू कह देते अपन संदीप भैया को। थैंक यू, थैंक यू संदीप भैया, बहुत हेल्प करी आपने। थैंक यू। और अगली बार जो भी आए यहाँ सिटी पैलेस, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि इनका जो अपना सेल्फ टूरिस्ट गाइड देते हैं आपको, ये बेटर है किसी और की गाइड। थैंक यू।